डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की इस प्रथम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित में प्रथम वर्ष में तीन पेपर्स हैं। पहला पेपर अलजेब्रा का है, दूसरा पेपर कैलकुलस का है और तीसरा पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस का है। हम यहाँ सेकंड पेपर कैलकुलस से प्रारंभ करेंगे। कैलकुलस की भी दो बुक्स हैं, एक अवकलन गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन। कैलकुलस के इस डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट में सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वर्ष आपने कार्तिक निर्देशांक यानी एक्स वाई क्या होते हैं, किसी भी बिंदु के कार्तिक निर्देशांक एक्स वाई के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली थी और इस वर्ष हम उससे आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे हम कार्तिक निर्देशांकों में एक फिक्स पॉइंट जिसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते थे, यहाँ भी हम एक फिक्स पॉइंट कंसिडर करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में उस फिक्स पॉइंट को हम ओरिजिन नहीं कह के मूल बिंदु यानी ध्रुव और पोल, इंग्लिश में उसको पोल कहेंगे। इस मूल बिंदु यानी पोल से गुजरती हुई एक स्थिर रेखा लेंगे, उस स्थिर रेखा को इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा कहते हैं। जिस बिंदु के निर्देशांक हमें लेने हैं, सपोज उस वह बिंदु P है और उसके कोऑर्डिनेट हम r थीटा मान लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को सिंबॉलिकली r थीटा से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ r का मतलब यह है कि उस बिंदु को अगर हम पोल से मिला दें तो जो सरल रेखा प्राप्त होती है वो r को रिप्रेजेंट करती है और उस सरल रेखा और प्रारंभिक रेखा OA के मध्य जो कोण बनता है एंटी क्लॉकवाइज, उस कोण को हम थीटा से इंट्रोड्यूस करते हैं और इस एंगल थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। यानी OP इज इक्वल टू R रेडियस वेक्टर कहलाता है यानी ध्रुवांतर रेखा कहलाती है और जो एंगल AOP है जिसे हम थीटा से थीटा सिंबल देंगे उसको हम वेक्टोरियल एंगल यानी ध्रुवांतर कोण कहते हैं। और ये जो P के निर्देशांक R थीटा हमें प्राप्त हुए, इन्हीं को हम उस बिंदु P के पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में व्यक्त करते हैं या यूं कहें कि उन्हीं को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हमें जब हम कार्तिक निर्देशांक पढ़ चुके हैं और अब पोलर की अभी हमने जानकारी प्राप्त की है, तो स्वाभाविक प्रश्न है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो अब हम रिलेशन बिटवीन कार्टिशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम फिर हम एक स्थिर बिंदु जिसे हम मूल बिंदु कह दें या ध्रुव कह दें लेंगे। पहले हम कार्तिक निर्देशांक की बात करें तो इस बिंदु से गुजरने वाली स्थिर क्षितिज रेखा जो कि हमारी OX है और ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि हमारी OY है और बिंदु P हम लेते हैं जिसके निर्देशांक XY है। यहाँ XY से तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम P से एक लंब डालें X एक्सिस पे, OX को यहाँ हम X एक्सिस कहेंगे, OY को हम यहाँ Y एक्सिस कहेंगे और P से जो X एक्सिस पे लंब डाला है वो हमारा PM है और Y एक्सिस पे जो लंब डाला है वो हमारा PN है और यहाँ पे जो PM होगा वो Y के बराबर होगा और जो OM है वो हमारा X के बराबर होगा। अब इसी बिंदु P को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कहें तो R थीटा रिप्रेजेंटेशन देंगे और उस केस में जो OP होगा, P को O से मिला देंगे और OP जो होगा वो R के बराबर होगा, R यानी ध्रुवांतर रेखा, और OM या यूं कहें कि OX को हम स्थिर रेखा मानते हुए OX और OP के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा थीटा होगा। तो आप देखिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है OPM, जहां जो PMO है वो 90 डिग्री का कोण है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम त्रिकोणमिति की तरफ चलें तो हमारे पास सीधा सीधा संबंध प्राप्त होता है X इज इक्वल टू R cos थीटा और Y इज इक्वल टू R sin थीटा। अब ये जो दो संबंध है ये मेन हमारे रिलेशंस हो गए कार्टिशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। इन्हीं से अगर हम सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करें तो हमारे पास एक और संबंध आता है R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, या यूं कहें R इज इक्वल टू रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। R यानी ध्रुवांतर रेखा का मान कार्टिशियन के संबंध में रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरी तरफ अगर हम इन दोनों संबंधों को डिवाइड करें
तो हमारे पास एक और रिलेशन आता है जो कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो इन दोनों संबंधों से हमें r और थीटा x और y के संदर्भ में प्राप्त हो जाते हैं, और यही हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि कार्तिक और ध्रुवी निर्देशांकों में क्या संबंध है।